समाज में स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उसके साथ ही साथ ज्योतिबा ने अपने जीवन में ओबीसी समाज वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों में सामाजिक मूल्य और समानता का भाव जगे, यही हमारे मन। अहिर रेजिमेंट की बात सर, ये सारा विषय है। दूसरे समाज के लोग भी अहिर रेजिमेंट की मांग उठा रहे, संसद से भी उठाई गई, सारा विषय विचार कर। सर ग्लोबल वार्मिंग के लगातार बदलाव आ रहा है, इसको निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में पूरे दुनिया को पंचामृत का नारा दिया। भारत क्लीन एनर्जी को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, ग्रीन कवर को बढ़ाने को लेकर के और उसके साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी और डेजर्टिफिकेशन और ऑफ लैंड को लेकर के काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, इसमें विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उन्होंने जो क्लाइमेट फाइनेंस का वादा पूरी दुनिया से किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया, उसको पूरा करना चाहिए। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार चल रही है। मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, स्थायी रूप से काम किया है। आज हरियाणा में नौकरियों में किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं होता है। आज विकास के कार्य हो रहे हैं, आज गरीब कल्याणकारी नीतियां लोगों तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा नेतृत्व है, उसकी पूरी परिपालना की जा रही है। और हरियाणा की सरकार जब आगे चुनाव होंगे तो वापस से हम भारी बहुमत से मतदान में ताकत ला करके हरियाणा को विकास के रास्ते पर। जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में धड़ों में बटी हुई है बीजेपी, किस तरह से बीजेपी एक ही है और बीजेपी एक ही तरीके से चल रही है।